नमस्कार, इस समय हम नेशनल हाईवे 152 पर मौजूद हैं और हिसार चंडीगढ़ का ये नेशनल हाईवे आपको बता दें कि गांव बाता के पास, और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां, और जो चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में आप लोग जाते हैं वहां जो 5-स्टार होटलों की जो फीलिंग मिलती है, तो वो यहां कैथल में अब आप देख सकते हैं कि छोटे ही शहर में वाइट रोज रिसोर्ट के नाम से एक बहुत ही शानदार जो रेस्टोरेंट है वो यहां खुल चुका है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से, कितना भव्य जो लुक है इस रेस्टोरेंट का है बाहर से देख सकते हैं। किस तरह से आपको बता दें कि जो नेशनल हाईवे 152 है हिसार चंडीगढ़ जाते समय या चंडीगढ़ से हिसार जाते समय, तो बिल्कुल मेन जो हाईवे पर है, और किस तरह से जो बड़े बड़े शहरों में जो 5-स्टार होटलों में जो आपको फीलिंग आती थी वो अब कैथल में उसी जो तर्ज पर ये जो रेस्टोरेंट खुल चुका है। और आज आपको बता देंगे 15 अगस्त के दिन किस तरह से इसकी जो ओपनिंग हुई है, तो जो ओनर हैं संजीव राणा जी, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ फैसिलिटी इस रेस्टोरेंट में कैथलवासियों को देने वाले हैं। तो उनसे पूरे रेस्टोरेंट की हम विजिट करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ बेहतर इस रेस्टोरेंट में बनाया है। तो अगर आपने पार्टी या कोई भी फंक्शन वगैरह करना हो तो यहाँ जो नेशनल हाईवे 152 है बाता के पास, तो यहाँ आकर आप कर सकते हैं। और बेहतरीन जो लुक है तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से पार्टी हॉल अलग से बनाया है और जो रेस्टोरेंट है वो अलग से है, और स्विमिंग पूल जो आपको दिखाएंगे, विजिट भी करवाएंगे कि किस तरह से जो आधुनिक तरीके से स्विमिंग पूल है वो बनाया हुआ है। तो जो संजीव राणा जी हैं ओनर हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि रेस्टोरेंट को लेकर क्या कुछ कहेंगे, किस तरह की जो खासियत है, कैथल व आसपास के लोगों को किस तरह की जो फीलिंग है यहाँ आने वाली है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो केक सेरेमनी है वो की जा रही है वाइट रोज रेस्टोरेंट की। तो जो संजीव राणा है उन्होंने केक काट दिया है, और जो उनके साथी हैं उनका जो केक खिलाकर जो ओपनिंग है रेस्टोरेंट की वो की जा रही है। तो इनसे बातचीत करेंगे रेस्टोरेंट को लेकर। तो फिलहाल देख सकते हैं कि जो केक सेरेमनी है वो यहाँ वाइट रोज रेस्टोरेंट की मनाई जा रही है। संजीव राणा है खुद अपने साथियों को केक खिला रहे हैं। तो आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं रेस्टोरेंट को लेकर, क्या कुछ इनका कहना है, क्या कुछ खासियत रेस्टोरेंट के बारे में बताना चाहेंगे। तो राणा जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। मेरी तरफ से भी आपके चैनल को और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से धन्यवाद जी। जी, तो कैसे मन में विचार आया कि कैथल जैसे छोटे से शहर में इस तरह का जो 5-स्टार जैसा रेस्टोरेंट आप लोगों ने ओपन किया? इससे पहले मेरा एक होटल MM यूनिवर्सिटी में भी है जी, तो वहाँ भी ठीक चल रहा है जी। तो उसके बाद मैंने सोचा मतलब अपने गाँव के आसपास ही अपना मैं होटल मैं करूँगा, फिर मैं बेसिकली बाता गाँव से बिलोंग करता हूँ और मलाना मेरे लिए दूर पड़ता है जी। साथ में बच्चों की स्टडी वगैरह भी है जी। तो प्रॉपर माइंड में सेटअप तो 5-6 साल से चल रहा था कि कुछ अच्छा करेगा जी, तो उस हिसाब से मैंने इसको प्रिपेयर किया जी। तो मतलब किस किस तरह के फंक्शन हैं जो इस रेस्टोरेंट में हो सकते हैं? आप यहाँ पे स्विमिंग पूल में इन्जॉय कर सकते हो, पार्टी हॉल है जिसमें आप रिंग सेरेमनी हो गया अपना, या कुछ भी छोटा मोटा प्रोग्राम हो, घर का से बर्थडे सर्टिफिकेट हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, रूम सर्विस हो गया, आप कुछ हर एक चीज़ आते जी। तो फैसिलिटी वगैरह की अगर हम बात करूँ, किस तरह की फैसिलिटी यहाँ रेस्टोरेंट में उपलब्ध हो रही है? रेस्टोरेंट में आपके सामने सर सर्विस वाला मेरे पास कोई इशू नहीं है, टेस्ट वाइज मेरे पास कोई इशू नहीं है। आजकल जो कस्टमर रेस्टोरेंट से जुड़ता है मेन टेस्ट और सर्विस देखता है जी, दोनों मेरे पास है जी। जी, तो मतलब विजिट करवा दीजिए एक बार, है कि मतलब जैसे यहाँ रेस्टोरेंट है, जैसे पार्टी हॉल भी आप लोगों ने बनाया, स्विमिंग पूल भी बनाया, आपने पार्किंग तो देख ली होगी जी रेस्टोरेंट के। अब ये मेरा रेस्टोरेंट है यहाँ पर जी, ठीक है। यहाँ एक टाइम में लगभग मान लो 300 से 350 बंदे आराम से बैठ सकते हैं जी। अच्छा जी, हाँ जी। तो यहाँ मतलब ब्रेकफास्ट लंच और डिनर? हाँ, तीनों, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर जी। अगर आपको साथ में इससे अलग कोई पार्टी वगैरह का एंजॉय करना है, रिंग सेरेमनी करनी है, कुछ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना है, तो उसके पास में मेरा ये पार्टी हॉल जी। तो राणा जी, जैसे पार्टी हॉल में मतलब कितनी गैदरिंग आ सकती है और किस तरह के जो फंक्शन है वो हो सकते हैं? पहले पार्टी हॉल में वन टाइम में लगभग 150 के लगभग गैदरिंग आ सकती है जी। अच्छा जी, इसमें जैसे छोटे मोटे प्रोग्राम है जी, आपके सामने देखो साइज क्या है जी, प्रॉपर डेकोरेशन क्या है जी। जी, तो मतलब कैथलवासियों को क्या कहोगे जो रेस्टोरेंट आप लोगों ने इस तरह का किया? आपके सामने सर मेरे को कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैथलवासियों से एक दिल की गहराई से एक निवेदन है सर जी, एक बार मेरे रेस्टोरेंट में विजिट करो जी। अगर आप यहाँ पे सेटिस्फाइड हो तो आओ, अदरवाइज मत आओ जी। जी, तो राणा जी, इस तरह का जो रेस्टोरेंट देखकर लोगों के एक मन में फील आती है कि महंगा होगा, तो किस तरह के जो रेट? आप मेरा मेनू देखो सर, तो जो कैथल जितने भी टॉप रेस्टोरेंट है उनसे 10% मेरा कम रेट है। कम रेट है? हाँ, आप नेचर फार्म की बात कर लो, आप कैथल वैली की बात कर लो जी, या आप ये ग्रीन वैली है इसकी बात कर लो, लखनपाल की बात कर लो, आप मेनू कंपेयर कर लो सर जी। तो ये बोल सकते हैं कि जिस तरह की फीलिंग है चंडीगढ़, अम्बाला या करनाल या बड़े शहरों में आती है वो यहाँ कैथल में उससे भी 10 गुना ज़्यादा सर। 10 गुना? हाँ, कोई बंदा कहता है रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए मन से आता है, अगर आप रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाओगे तो सामने से बिल्कुल स्विमिंग फील हो जैसे एक गोवा बीच पर बैठे हो।
अगर आप पार्टी हॉल में पार्टी करोगे तो यहाँ से स्विमिंग पूल का प्रॉपर व्यू है जी। तो स्विमिंग पूल की ओर विजिट करवा दीजिए ताकि पता चल सके कि किस तरह का जो स्विमिंग पूल को लुक वगैरह आप लोगों ने दिया जी। तो ये ओपन जो स्विमिंग पूल आपने बनाया है ये कैसे आइडिया, मतलब आपने सोचा कि ओपन में इसको? सब कत्ल में रेस्टोरेंट भी है, पार्टी हॉल भी है, इस तरह का प्रोजेक्ट आई थिंक नहीं है। अच्छा, लोगों के मन में क्या है कि कुछ अलग बैठ के कहीं पे फैमिली के साथ अपने घर से निकल के बाहर कुछ खाना खाई या कुछ अलग तो मेरे पास है जी। तो इससे अगर मैं स्विमिंग पूल की बात करूँ तो यहाँ मतलब कितने के लोग एक टाइम में यहाँ स्विमिंग का आनंद ले सकते हैं? लगभग 70 से 80 बंदे 70 से 80 वन टाइम में जो स्विमिंग पूल के अंदर बैठ सकते हैं जी। अगर आप स्विमिंग पूल का एरिया की बात करोगे यहाँ नियर अबाउट 200 लोग बैठ सकते हैं जी। तो मेरे ख्याल में कैथल में ऐसा पहला नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, कैथल में मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे नियर अबाउट 150 किलोमीटर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जी। तो इसके पानी के बारे में सुना है कि जो आरओ मतलब प्यूरीफाई पानी है वो मैंने प्रॉपर इसका मशीन रूम तैयार किया, आपको दिखाता हूँ सर। अच्छा जी, जैसे यहाँ से पानी निकलेगा मेरे वहाँ मैंने बेसमेंट तैयार किया 50 जी, लगभग 50 फुट उसकी लंबाई है जी और 18 फीट उसकी गहराई है जी, उसमें प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है मशीनों को। तुराना जी, मतलब जैसे स्विमिंग पूल है जिसने बाहर बैठ के खाना खाना है बाहर खा सकता है, अंदर बैठ के खाना है अपनी प्रॉपर। जैसे मैंने डाउन सीटिंग आपको पूरे कैथल में आप दिखाओ जिसको जी। ये प्रॉपर सीटिंग रखी हुई है, इसके साथ में बैठ के स्विमिंग पूल है जी। आप जहाँ बैठ के जैसे खाना खाओगे ना जी तो आपको प्रॉपर एक अलग से व्यू आएगी जो आपको कैथल में कहीं नहीं मिलेगी जी। तो कैथल वासियों के लिए क्या मैसेज आपका रहेगा रेस्टोरेंट की ओपनिंग? कैथल वासियों को मैं दिल से बोल रहा हूँ कि एक बारी मेरी रेस्टोरेंट की विजिट कीजिए, आपको 100% से भी ज़्यादा मैं सेटिस्फाइड करके आऊँ। तो ये थे संजीव राणा जी जो ओनर हैं वाइट रोज रेस्टोरेंट के, वाइट रोज रिसोर्ट के, कि जिन्होंने पूरी विजिट भी करवाई और दिखाया कि बताया हमने आपको कि किस तरह से आप यहाँ छोटी पार्टी से लेकर बड़े जो फंक्शन हैं इस रेस्टोरेंट में कर सकते हैं। और स्विमिंग पूल जो हमने दिखाया, स्विमिंग पूल जो हमने दिखाया इतना बड़ा स्विमिंग पूल कैथल में, ये पहला स्विमिंग पूल है, किस तरह का जो आनंद है ओपन यहाँ एरिए में आप लोग ले सकते हैं। तो अब अंदर जाकर और कुछ आपको दिखाएं, क्या है अंदर जी राणा जी? आपने एक बात की थी आपको स्विमिंग पूल का पानी कैसे मेंटेन करके रखते हो जी, मैंने उसके लिए एक स्पेशल स्विमिंग रूम बनाया हुआ है, आपको विजिट करा। तो आपको बता दें कि जो स्विमिंग पूल में जो पानी है वो बिल्कुल आरओ प्यूरीफाई पानी है, और किस तरह से जो बड़ी मशीन है यहाँ लगाई हुई है तो वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो वाटर है वो प्यूरीफाई होता है। तो किस तरह का सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है कि ये सिस्टम है राणा जी, इसमें एक 50 फुट लंबाई और 20 फुट गहरा बेसमेंट है, स्विमिंग पूल का पानी यहाँ स्टोर होता है, स्टोर से उठा के इसमें से पानी उठाएगा और उसको वाटर प्यूरीफाई करके फिर स्विमिंग पूल में डालते हैं। उसके लिए 3 मशीनें मैंने बिल्कुल रखी हुई है सामने, मतलब पानी वहाँ से आता रहेगा और यहाँ से प्यूरीफाई होकर वापस आता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो आरओ प्यूरीफाई जो पानी है स्विमिंग पूल में किस तरह से वो मेंटेन होता है। यहाँ जो बड़ी बड़ी मशीनें आप देख रहे हैं कि इनसे जो प्यूरीफाई होकर पानी जो स्विमिंग पूल में जाता है। तो और भी जो यहाँ आए हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे कि वाइट रोज रिसोर्ट को लेकर उनके क्या कुछ व्यू हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। आज वाइट रोज रिसोर्ट का शुभारम्भ है, मैंने बहुत सारे रिसोर्ट देखे हैं, इसकी अलग ही बात है। इसके अंदर जो पार्टी वेयर कंसेप्ट है, जो फैमिलियर कंसेप्ट है और स्विमिंग पूल का जो कंसेप्ट है वो सारे अलग अलग हैं, और जिस तरह से इसकी एंट्री है और पार्किंग की जो व्यवस्था है बड़ी सुव्यवस्थित है, बड़ा ही सुंदर एक अच्छे तरीके से फैमिलियर प्रोग्राम है, एक अच्छा कंसेप्ट तैयार किया है। और मैं इस रिसोर्ट के मालिकों को बधाई देता हूँ कि इस रोड पर ऐसा पहले कोई ऐसा कोई रिसोर्ट नहीं था कि लोग चंडीगढ़ से आगे हिसार तक कहीं रुकें, तो ये सबसे बढ़िया जगह रुकने की है। और यहाँ एक बहुत बढ़िया सुंदर जो है स्विमिंग पूल का कंसेप्ट है जिसमें बच्चे और परिवार के लोग किसी भी तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो सबसे पहले वाइट रोज़ रिसोर्ट के मालिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबसे बड़ी बात, अम्बाला से चलकर मेरे ख्याल से हिसार तक कोई भी ऐसा सुंदर और अच्छा फैमिली रिसोर्ट नहीं है। छोटे छोटे तो बहुत बने हुए हैं पर जो फैमिली रिसोर्ट है बहुत ही अच्छा कंसेप्ट यहाँ वाइट रोज़ रिसोर्ट वाले लेके आए हैं। और हर सबसे बड़ी बात, यहाँ 3-4 पोर्शन में ये रिसोर्ट बनाया गया है, 100-150 लोगों के पार्टी हो अलग से पोर्शन है, 500 लोगों का अलग से पोर्शन है, और पीछे लग्जरी रूम वगैरह हैं वो भी बहुत सुंदर बने हुए हैं। यहाँ जो स्विमिंग पूल का जो सिस्टम जो हमें अभी तक मालिकों ने बताया है, जानकारी दी है, तो सब फिल्टर वगैरह का बहुत स्विमिंग पूल का अरेंजमेंट, फ़िल्टर्स वगैरह बहुत अच्छे लगाए गए हैं जिससे पानी के गंदा होने की और कोई भी पानी से जो भी कोई बीमारी वगैरह की कोई डर नहीं है।
यहाँ पर बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बनाया, उनको हम दोबारा मुबारक देते हैं, वाइट रोज रिसोर्ट वालों को।